सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तरफ से आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा की हर साल लाखों उम्मीदवार तैयारी करते हैं। यह देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस परीक्षा को पास करना कई उम्मीदवारों का सपना होता है और यह सपना जब हकीकत हो जाता है तो उनकी कामयाबी की कहानी लाखों युवाओं का प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। कुछ की कहानियाँ इतनी प्रेरणादायक होती हैं कि उनके सामने हर मेहनत फीकी पड़ जाती है। ठीक ऐसी ही कहानी है साल 2022 में मातृभाषा का मान बढ़ाकर हिंदी माध्यम में दूसरी रैंक लाने वाले सुनील कुमार धनवंता की, जिन्होंने कभी भी अपने आईएएस बनने के सपने के बीच कोई रुकावट नहीं आने दी। इस सपने को पूरा करने के लिए वह लगातार मेहनत करते रहे और आखिर सफलता उन्हें मिल ही गई। लेकिन इस सफलता को पाने के लिए सुनील कुमार धनवंता को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं सुनील कुमार धनवंता की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। सुनील कुमार धनवंता राजस्थान के जयपुर से 80 किलोमीटर दूर कोटपुतली के पास जयसिंहपुरा के रहने वाले हैं। सुनील एक दलित हिंदू मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता जगदीश प्रसाद जो कि प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और माता संजय देवी जो कि हाउसवाइफ हैं। सुनील की एक बड़ी बहन और दो भाई हैं। सुनील ने अपने दम पर आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और इसके बाद जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से भूगोल में मास्टर डिग्री प्राप्त की। अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद सुनील का रुझान यूपीएससी की तरफ हो गया, जिसके बाद वह सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी में जुट गए और साल 2018 में अपने पहले ही प्रयास में सफल रहे। हालांकि रैंक कम थी, जिस वजह से उन्हें इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस यानी IRAS मिला। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने IAS बनने के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहे। इसके बाद सुनील ने साल 2019 में फिर से प्रयास किया, लेकिन इस बार उनकी रैंक में सुधार तो हुआ पर अभी भी उन्हें उनकी पसंद की IAS का पद नहीं मिला था। साल 2019 की सफलता के बाद उन्हें इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS का पद मिला। सुनील ने IRAS की सर्विस छोड़कर IPS ज्वाइन की और अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। साल 2020 में एक बार फिर उन्हें IPS मिला। फिर सुनील ने साल 2021 में अपनी रणनीति को बदलते हुए तैयारी की और इस बार उन्हें ऑल इंडिया रैंक 22वीं हासिल हुई और उनका IAS बनने का सपना पूरा हुआ। आपको बता दें, सुनील ने फरवरी 2022 में एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी निशा धवल से शादी की। सुनील की पत्नी निशा ने साल 2016 में तीसरे प्रयास में UPSC क्लियर किया है और वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा यानी IFS में कार्यरत है। निशा के पिता प्रभु दयाल जो की सेवानिवृत्त श्रम अधिकारी हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक की मदद से हमसे जुड़ सकते हैं। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।